बुरहानपुर जिले में कोरोना को लेकर लॉकडाउन और धारा 144 लगाई गई है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुएं आमजन को खरीदने के लिए सुबह 9 से 12 बजे तक की छूट दी गई है। इस दौरान सब्जी मंडी और बाजार में लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिस पर नियंत्रण करने के लिए कलेक्टर SP खुद मौके पर पहुंचे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए देश को आगामी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते आम जनता से घरों में रहने की अपील की गई है। वहीं बाहर निकलने पर सड़कों पर तैनात पुलिस उन्हें सबक सिखा रही है। बुरहानपुर में लॉकडाउन के दौरान 2 घंटे की ढील दी गई है, ताकि आम जनता जरूरत का सामान खरीद सके। इस दौरान सब्जी मंडी, दूध डेयरी, पेट्रोल पंप सहित अन्य दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसे संभालने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बुरहानपुर पुलिस अधीक्षक BS विरदे का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जल्द ही घर पहुंच सुविधाएं शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए अनुमति दी थी, परंतु देखने में आया है कि लोग उसको अनियंत्रित रूप से, अव्यवस्थित रूप से, भीड़भाड़ तरीके से यहाँ ये सामग्री ले रहे हैं, और जो हमने एहतियात बरतने का निर्देश दिए थे उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि ये व्यवस्था बंद करेंगे और प्रयास करेंगे कि होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को सामग्री उपलब्ध की जाए। बाजार अब किसी तरह से नहीं, पूरी तरह लॉकडाउन हो जाएगा, पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाएगा। हो सकता है कि आगे हमको कर्फ्यू भी लगाना पड़े। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद खरीदारी करने आए लोगों ने दुकानदारों पर अधिक दामों में माल बेचने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन से कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज बुरहानपुर शहर में कोरोना को वायरस को देखते हुए यहाँ पर जो बंद रखा गया था, आज रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जरूरी चाहिए, उसके लिए जिला प्रशासन ने यहाँ थोड़ी सी छूट दी है, जिसमें यहाँ बुरहानपुर की जनता किराना दुकान से लेके सभी जगह पर बिल्कुल भीड़ का माहौल है, और यहाँ पर डिस्टेंस बना के कोई चल नहीं रहा है, जिससे ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम आइए जनता से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कैसा माहौल है बुरहानपुर का, बताइए भाई साहब बुरहानपुर में क्या माहौल है। लोग एकदम इकट्ठी हो गई, जो जरूरी चीज़ें हैं उसके अलावा भी लोग चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कंसेशन है जरूरी है, दाल चावल किराना उस पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी यहाँ देखो भी कितनी रस लगी है, ऐसा लग रहा है कि पूरा मेला भरा हुआ है। इतनी खतरनाक बीमारी से लोग समझ नहीं रहे, प्रशासन ने सूट दिया, उसका नाजायज फायदा ले रहे हैं, एक दूसरे से चिपक के खड़े होकर डिस्टेंस नहीं बना रहे। अब चारों तरफ देख रहे हैं, ये मंडी इलाका है बुरहानपुर का, बहुत बड़ा इलाका है मंडी इलाका है। या प्रशासन ने जो डिस्टेंस बनाने का आदेश दिया था, क्या किराना दुकान वाले उसका पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं नहीं कर रहे, कहीं भी कैमरा घुमा के देख लो, सब जाने वाले हैं, दुकानदार ऐसे दुकान देख लो, उधर देख लो, कहीं नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं बना रहे। यहाँ भी देखो तुम सब खड़े, सब साथ नहीं खड़े, प्रशासन का कोई क्या कोरोना बीमारी को खत्म कर पाएंगे? जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है, हम इस तरह से अगर फील करेंगे तो यह बीमारी और आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बुरहानपुर के अंदर ये प्रवेश नहीं कर पाई अब तक, लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये बुरहानपुर में भी प्रवेश करने में बिल्कुल
में क्या डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। हाँ सबसे ना बीमारी हो रही है, मॉल से आ रहा है बीमारी बहुत ही गलती है। बाकी कितना हो रहा है जहाँ वहाँ पावन भी कर रहे ना इनका मनमानी करते हुए और अभी उसके अंदर उसने पैसे की बढ़ोतरी करके लूटने वाला काम यहाँ पर हो रहा है। बुरहानपुर से सोताराम खंडराव खबर मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट खबर मध्य प्रदेश।